हेलो एवरीवन, अगर आप ALET यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ALET की एलिजिबिलिटी क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसमें सीट्स कितनी होती हैं और ALET फॉर्म फिल करने के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं ALET होता क्या। ALET एक ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट है जो कि दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है अपने LLM और LLB प्रोग्राम के लिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th स्टूडेंट्स, मतलब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए 12th अपियरिंग स्टूडेंट या फिर 12th जिन बच्चों की हो चुकी है वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है और एग्ज़ाम जो है आपका वो इंग्लिश मीडियम मोड में आता है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अब हम बात करते हैं। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड पर होता है, 90 मिनट्स यानी 1 आवर 30 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा जिसमें क्वेश्चन पढ़कर आपको आंसर्स क्वेश्चन पढ़कर आपको ऑप्शंस पे टिक करना होगा। OMR शीट में आपको अपना आंसर फिल आउट करना होगा। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप पहले एक बार ढंग से पढ़ लें, उसके बाद ही कोई आंसर आप टिक करें, क्योंकि OMR शीट को आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे वो आपके होंगे इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथ्स। मैथ्स आपका 10 मार्क्स का आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके 35 मार्क्स के होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 150 होंगे। प्लस 1 मार्क्स आपको हर करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा और 0.25 आपका हर रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट हो जाएगा। इसमें जो सीट्स अवेलेबल हैं वो हैं 80 सीट्स, टोटल 80 सीट्स अवेलेबल हैं दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। और अब इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक में ALET के फॉर्म्स निकलते हैं, तो आप जनवरी के फर्स्ट वीक से लेकर अप्रैल मिड तक फॉर्म्स फिल आउट कर सकते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो भी अप्रैल एंड तक आपको इश्यू हो जाता है, और मई के फर्स्ट वीक में ALET मोस्टली अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। आपका जो आंसर की होगा वो आपको सेकेंड वीक ऑफ मई में मिल जाएगा और एंड वीक ऑफ मई तक आपका ALET का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आपके काउंसलिंग सेशंस होंगे और फिर एडमिशन प्रोसेस आपका फॉलो होता है। थैंक यू।